हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ मेटा कोर्टिल लाइट क्रीम की। आज की वीडियो में ये क्रीम के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ, इसको कब यूज किया जाता है, किस टाइप के स्किन पर्पज के लिए इसका यूज करना चाहिए, इसको किन को यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट है, कब और कैसे यूज़ करें, ये सबकी जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँच। गाइज, ये मेटा कोर्टिल लाइट क्रीम में 15 ग्राम की ट्यूब में आती है। इसका प्राइस है 204 रुपीज़। इसको मैन्युफैक्चर करती है मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाती है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक में, इसका यूजेस के बारे में। तो ये एक स्किन लाइटनिंग क्रीम है। अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं, मेलाज्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, ब्लैक स्पॉट्स है, ब्राउन स्पॉट्स है, एक्ने मार्क्स है, माउथ के अराउंड जो काले काले पैचेस बन जाते हैं, उस कंडीशन में ये क्रीम का यूज किया जाता है। इसे यूज करने से स्किन फेयर होती है, साथ ही रिंकल फाइन लाइन्स भी रिड्यूस होते हैं, स्किन पर कसआउट लाने का काम करती है, स्किन यंग एंड फ्रेश दिखती है। गाइज, ये क्रीम के बेनिफिट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी है, वो मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें यूज किया गया है हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन, टेटिनोइन। हाइड्रोक्विनोन स्किन को निखारने का काम करता है, चेहरे के दाग धब्बे को खत्म करता है, एक तरह का ब्लीचिंग होता है, स्किन के ऊपरी लेयर को हटा देता है। दूसरा है टेटिनोइन, टेटिनोइन एक्ने पिंपल को रिड्यूस करता है, रिंकल फाइन लाइंस को कंट्रोल करता है, स्किन पर नई जान लाने का काम करता है, स्किन यंग एंड यूथफुल दिखने लगती है। मोमेटासोन एक कार्डिको स्टेरॉइड है, ये इन्फ्लामेशन को खत्म करता है। मोमेटासोन का यूज मोस्टली स्किन डिजीज में किया जाता है। अब बात करते हैं इसको कब और कैसे यूज करें। तो कब तक यूज करें, इसको नाइट में यूज करना है। पहले फेस को माइल्ड फेस वॉश से वॉश कर लेना, उसके बाद एकदम कम क्वान्टिटी लेनी है एंड ओनली इफेक्टेड एरिया में आपको ये क्रीम को यूज करना है। मॉर्निंग में वापस से फेस वॉश कर लेना है। दिन में आप अपना रेगुलर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। डे टाइम सनस्क्रीन का अप्लाई जरूर करें। गाइज, ये क्रीम को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते तक ही यूज़ करना है, उसके बाद 3 से 4 हफ्तों के लिए गैप करके उसके बाद आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो। तो अब बात करते हैं किनको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके फेस पे कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ओनली आप गोरेपन के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह है तो आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो गाइज, अगर आप ये क्रीम को कंटिन्यू यूज़ करते हो, ये क्रीम आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देती है। एक बार में नहीं बनाती है, धीरे धीरे आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देती है। आप कई लोगों को देखे होंगे कि उनका चेहरा कितना रेड होता है एंड एक्ने पिंपल से भरे हुए होते हैं, तो उस टाइप की स्किन बना देती है। इसलिए आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, सही तरीके से यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप अपने फेस पे ये क्रीम को यूज़ करें। और इस टाइप की कोई भी क्रीम हो, डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने फेस पे अप्लाई करें। अगर आप अपने आप यूज़ कर रहे हो तो एक बार पैसे ज़रूर ले लीजिएगा, देखिए कि आपको सूट कर रही है या नहीं, उसके बाद ही अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके फेस पे यूज करने से जलन या इचनेस हो रहा है तो तुरंत अपने फेस को धो लेना है। अगर आप ये इस टाइप की क्रीम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो पहले अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगा लीजिए, उसके बाद ही ये क्रीम को अप्लाई कीजिए। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।